हेलो एवरीवन, जय गुरु जी टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाली हूँ पीछे दी हुई कुछ अपनी प्रिडिक्शंस के बारे में, और आने वाले अक्टूबर के महीने में क्या कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को अपने ऑडियो और मैसेज के माध्यम से, स्टेटस स्टोरीज के माध्यम से आप लोगों को अपडेट्स देती ही रहती हूँ, अलर्ट करती ही रहती हूँ। जो लोग भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है वो लोग हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो डिटेल वीडियोस हैं हम वो यहीं पर पोस्ट करते हैं और रेमेडीज भी यहीं मोस्टली प्रोवाइड की जाती हैं। जो भी ट्रांसिट होते हैं उनके बेसिस पे, या जो भी प्रेडिक्शंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उसके बेसिस पे जो भी रेमेडीज होती हैं वो हम यहीं प्रोवाइड करते हैं। और अब जो भी आपकी क्वेरीज रहती है कमेंट सेक्शन में आप यहां पर मैसेज कर सकते हैं और यहीं उनके आपको आंसर्स मिलेंगे। पर्सनल मैसेज नहीं करने हैं, वहां आपको रिवर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि डेली आई रिसीव 200 टू 300 मैसेजेस एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू रिप्लाई एवरीवन। तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जो भी आपकी पोस्ट रिलेटेड, वीडियोस रिलेटेड क्वेरीज रहें वो आप यहीं पर पूछें और उसका हम यहां पर ही आपको रिवर्ट करेंगे। और जो हमारे रेगुलर कमेंटर्स हैं या जो भी हमारी वीडियोस पे रेगुलर कमेंट करते हैं उन लोगों के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है। जो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के अंदर, लास्ट में हम अनाउंस करेंगे कि क्या सरप्राइज गिफ्ट आप लोगों को मिलने वाला है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा आप लोगों का धनलक्ष्मी पोटली पर। और इसके साथ ही मैं बात करूंगी अपनी पीछे दी गई कुछ प्रिडिक्शंस के बारे में, जो मैंने जनवरी में दी थी, मार्च में दी थी और फरवरी में दी थी। और साथ में मैं आप लोगों से, जैसे साल की शुरुआत से ही मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की थी कि जो इस साल आपको सबसे ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी, तो वो गर्मी अभी भी जाने का नाम नहीं ले रही है, आप देख रहे हैं। सेम इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ ठंड की, तो हाँ इस बारी ठंड स्पेशली यूरोप पश्चिमी देशों में तो आप बहुत ज़्यादा देखेंगे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुरा हाल रहने वाला है। लाइट भी जाने के चांसेस बनते हैं और काफ़ी लंबे समय तक, मतलब आप वहाँ पर अगर जैसे हम लोग हीटर्स वगैरह चला लेते हैं तो वहाँ पर अब हीटर्स वाली चीज़ भी काम नहीं करेगी, ठीक है। वहाँ पर बिजली की चीज़ों की वजह से अगर वो जो गर्माहट वो लोग पैदा कर लेते हैं तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, बिजली भी जाएगी, वहाँ पर सपोर्ट नहीं करेगी। इतना ज़्यादा बुरा हाल आपको देखने को मिल सकता है यूरोप साइड। और जैसे कि अमेरिका के बारे में मैं बात कर ही रही हूँ, वहाँ पर वेदर का चेंजेस की वजह से जो डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है, और भी फाइनेंशियल कंडीशंस भी आप लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा जॉब्स के अंदर रिसेशन दिया जा रहा है। और मैंने आप लोगों को प्रिडिक्ट भी किया है नेक्स्ट ईयर भी आपको ये रिसेशन वाला पीरियड बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। तो इसीलिए जो जॉब्स मिल रही हैं ना, या जिन जॉब्स के अंदर आप हैं ऑलरेडी, वहाँ पर बिना किसी एस्ट्रोलॉजर की गाइडेंस के आप लोग चेंज मत करिए, बहुत बड़ा रिस्क आप अपने लिए ले सकते हैं। जो लोग जॉबलेस हैं, आई प्रे टू गॉड कि परमात्मा उनको नौकरियां दे, बट यस कहीं ना कहीं जिन लोगों के पास जो नखरे से नौकरियां कर रहे हैं उनको नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। तो प्लीज़ पहले किसी से गाइडेंस लें, उसके बाद ही अपने जॉब में चेंजेस करें, ठीक है। और 2025 तक काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल अमेरिका का आप देखेंगे, पश्चिमी देशों का, यूरोप साइड का आप देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ड्रास्टिकली चेंज होंगी। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं भारत, जब मैं सनातन के बारे में बात करती हूँ, सनातन कैसे कैसे भारत सनातनी देश होगा, तो देखिए भगवान की जो लीला, जो परमात्मा लीला करते हैं, ये जो परमात्मा ब्लेसिंग्स देते हैं ना, उसके आगे कोई भी प्रिडिक्शन वैल्यू नहीं करती है। तो मैं हमेशा हंसी में या मैं एक स्माइल फेस बनाकर आप लोगों को रिवर्ट कर देती हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि जब परमात्मा की भविष्यवाणी के आगे हम लोगों की भविष्यवाणी फेल रहती है, ये काम नहीं करती है। इसी वजह से मैं आप लोगों को बोलती हूँ, जब भी कोई नेगेटिव ट्रांजिट होता है ना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि मंत्र चैंटिंग करनी शुरू कर दो। उपाय, मंत्र जाप जितना करोगे ना, जितनी मंत्र चैंटिंग करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रेमेडीज़ करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब हमें डर लगता है हम कहाँ जाते हैं? छोटे बच्चे को डर लगता है कहाँ जाता है? मम्मी पापा के पास। हमारे परमात्मा ही हमारे मम्मी पापा हैं। अगर हम बोले ना कि हमारे पेरेंट्स ने हमें बचाया, पेरेंट्स नहीं बचाते हमें वो बचाता है, ठीक है।
तो बहुत बड़ी बात मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि कोई इंसान, मैं भी एक जरिया हूँ, मैं सिर्फ एक मोड हूँ, आपको थोड़ा गाइड कर देती हूँ जितनी भगवान ने मुझे नॉलेज दी है उसके बेसिस पर, नहीं तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी लाइफ चेंज नहीं कर सकता, सिर्फ वो परमात्मा कर सकता है। वो आपसे वो उपाय करवाता है जिससे आपकी लाइफ में परिवर्तन आने होते हैं। इंसान कुछ भी नहीं करता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ उस परमात्मा ने करना है। इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप उनका नाम जरूर लें, करें, वो उपाय जरूर करते रहें, वो रेमेडी जरूर करते रहें। और सबसे बढ़िया है प्रे, जितनी अरदास करोगे ना उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उस चीज को हमेशा पकड़ के रखें, मजबूती से पकड़ के रखें। मंगल देव 3 अक्टूबर को केतु के पास आ रहे हैं, मतलब तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। इससे अलग एक वीडियो मेरी आएगी परसों आपके पास, जिसमें बुध का राशि परिवर्तन मैं आपको बताऊंगी। बुध अपनी कन्या राशि में गए हैं, बुध की अपनी राशि है वो, उसके बारे में मैं बात करूंगी। बट यहाँ पर मंगल केतु की युति बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो ट्रांजिट है ये थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ कर सकता है, तो इसको पहले इसीलिए मैंने लिया है। मंगल जब केतु के साथ आएगा, सबसे पहले मैंने आप लोगों को अलर्ट कर दिया था 28 सितंबर को ही कि आपको इस बीच में धमाके सुनने को मिलेंगे, बम विस्फोट होने के चांसेस बनते हैं। वो न्यूज़ आप लोग देख ही रहे हैं, मेरे पास पाकिस्तान की भी न्यूज़ आई है मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, टर्की की भी न्यूज़ आई है मैं वो भी शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो ये दो न्यूज़ आप सुन चुके हैं। मंगल केतु, मंगल बेसिकली आग है, करंट है, ठीक है, बिजली है, तो ये सारी चीजें हैं। और इसके साथ ब्लड है, और केतु क्या है, कैंची। कहीं ना कहीं आप जो सुनेंगे इस टाइम पे केसेस जो होंगे, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स जिन वुमेन्स के अंदर है, वहां पर मतलब जिनको पीरियड्स की अगर मैं बात करूं, या जहां पर ऑपरेशन जैसी स्थितियां बनती हैं, वो इग्नोर नहीं करनी है बिल्कुल भी। इस पीरियड में बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी है। मंगल बेसिकली यहां पर जो आपको सबसे ज्यादा चीजें करवाएंगे, बिजली, आग, दुर्घटना और सर्जरी। तो आप लोग मान के चलिए कि इस बीच में जो बच्चे होंगे ना, नॉर्मल डिलीवरीज आप लीस्ट एक्सपेक्ट करिएगा कि होने के चांसेस हैं। कैंची तो मंगल के साथ कैंची लगनी ही लगनी है, चाहे आपको बोला हुआ होगा ना कि डॉक्टर ने कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, बट मैं आपको प्रिडिक्शन दे सकती हूँ 80% तक, मैं इस चीज़ की श्योरिटी दे सकती हूँ आपको कि 20% शायद इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में अगर स्ट्रांग चांसेस हुए तो नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस हैं, अदरवाइज कैंची तो लगनी ही लगनी है। क्योंकि मंगल के साथ जब केतु आ जाता है तो वो कैंची के बिना काम होने ही नहीं देंगे, ठीक है। और अभी यहाँ पर दो ग्रह और मूव करेंगे, और शुक्र भी अभी सिंह राशि में चले गए हैं, तो यहाँ पर आप ये भी मानिएगा अभी कुछ टाइम बाद यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे, तो चेंजेस आने हैं, ठीक है। कन्या से निकल के वो बुध भी यहाँ पर आएंगे तुला राशि के अंदर, बट स्टिल चीजें, और सबसे बड़ा परिवर्तन होना है अक्टूबर के महीने में ही। 14 तारीख को सूर्य ग्रहण है, फिर 29 तारीख को चंद्र ग्रहण है, और फिर 30 अक्टूबर को राहु केतु ट्रांजिट है, जो पूरे 18 महीनों के लिए होता है। तो काफी ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं इस महीने के अंदर, आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। राहु केतु का जो ट्रांजिट है उसमें सबसे ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 18 महीने का वो पीरियड होगा, और जो बाकी ट्रांजिट होते हैं वो महीना, 2 महीने, इतना ही चलते हैं। उससे ऊपर आपको उसके ज्यादा, मतलब कुछ कुछ होते हैं जिसका लंबा पीरियड होता है, और मैं मेंशन भी करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि उनके ऊपर मैं राशि अनुसार आप लोगों को जरूर रेमेडीज दूँ, जिससे कि आप अपना बचाव कर पाए। इससे पहले कि मैं इस रेमेडीज को भूल जाऊं, तो मैं आपको यहाँ पर दो मंगल की ऐसी रेमेडीज बता रही हूँ जो हर कोई कर सकता है बिना अपने बर्थ चार्ट को देखे हुए, क्योंकि उन चीजों से आप बचाव जरूर करिएगा। सबसे पहला एक उपाय आपने क्या करना है, मसूर की जो दाल होती है वो आपने मंगलवार के दिन शिवलिंग पर रख कर आनी है। आपकी जितनी पॉकेट अलाउ करती है ना, आप उतनी दाल ले लेना, 10 रुपए की ले लेना, नहीं तो 27 रुपए की ले लेना, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है ना उतनी दाल ले लो। मैंने तो आपको सस्ता सबसे अच्छा उपाय बता दिया, ये एक उपाय आपको करना है। और आप अपना ब्लड टेस्ट जरूर करवा लो, ठीक है, मंगलवार के दिन जाना, ब्लड टेस्ट जरूर करवा के आना। एक उपाय और, नीचे 1.5 महीने तक नीचे सोना शुरू कर दो, मतलब जमीन पर,
अपना गद्दा वहीं बिछाकर सोइए, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिले। इसके साथ मैं आप लोगों को एक चीज जरूर बोलूंगी कि अपनी फीलिंग्स को आपने एक्सप्रेस करना है, अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक नहीं करना है। जो भी किसी को अगर आप बोलना चाहते हो, अगर इन केस अगर आप उनको नहीं बोल पा रहे हो, तो आप एक पानी का ग्लास लेना है आपको, उसमें आपको वो सारी चीजें बोल देनी है जो आप किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हो, बोलना चाहते हो, पर बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और उसको फिर आप फ्लश कर दो, सिंपल, क्योंकि आपने वो अपने मन से वो चीजें निकाल ली। आप अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक नहीं करें, क्योंकि अगर आप अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक करेंगे, अभी सूर्य का भी परिवर्तन यहां पर होना है, वो आपको फिर बहुत मेजर प्रॉब्लम दे सकता है। जब सूर्य के ऊपर केतु आएगा ना, तो बहुत, मतलब आप समझ रहे हैं, सूर्य के साथ जब केतु आता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स दे सकता है, ठीक है। जो लोग थोड़ी बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं वो लोग इस चीज को रिलेट कर पा रहे होंगे, बट स्टिल मैं यहाँ पर बोलूंगी कि आपको अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक नहीं करना है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करो, ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे, सिंपल सी बात है। और इसके साथ ही करंट लगने के जो केसेस हैं वो आप इस पीरियड में बहुत ज्यादा सुन सकते हैं। पानी भरेगा क्योंकि बारिश होगी, बारिश की वजह से ही कोविड का जो संक्रमण है वो थोड़ा थोड़ा नीचे बैठ रहा है। इंडिया पे इतना इफेक्ट नहीं करेगा, बट बहुत सारी जगहों पे बिल्कुल रिवाइज होगा, कोविड आएगा दोबारा से और उसकी जो चीजें हैं वो देखने को मिल सकती हैं, उसमें और ज्यादा अपग्रेड होते हुए आपको नजर आ सकता है। बट इंडिया थोड़ा बहुत बचाव करेगा, यहाँ पर आप होम रेमेडीज को जितना यूज कर सकते हो करो, गर्म पानी का यूज जितना आप कर सकते हो करो, बेसिक जो है ना कोविड के टाइम पे जो चीजें काढ़ा वगैरह यूज किया जा रहा था दबा के, वो सारी चीजें दोबारा से यहाँ पर इंडिया में लोग यूज करना शुरू कर देंगे बचाव के लिए, वहाँ इसी वजह से यहाँ पर इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट बाहर की कंट्रीज में आपको इसका काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। और बर्फ, अगर मैं ये बोलूँ कि एकदम जमी हुई बर्फ की तरह जो ठंड आपको सुनने में आएगी अमेरिका में, स्टार्टिंग में 2024 से शुरुआत होगी वहां पर, बिल्कुल जमी हुए अमेरिका के साथ अगर मैं इस तरीके से आपको बोलूँ, तो प्लीज जो लोग भी वहां पर रह रहे हैं अपनी खास, अपना सेहत का खास ध्यान रखें, क्योंकि जो नॉर्मल ठंड वहां पर होती थी उससे डबल ट्रिपल आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है। इंडिया में भी देखने को मिलेगी ही, बट यहाँ पर स्पेशली, बट मेंशन जो मैं कर रही हूँ, यहाँ पर तो लोग बचाव कर लेंगे एनी हाउ। और यहाँ पर देखिए, हम लोग बहुत ज़्यादा सनातन से जुड़े हुए हैं, परमात्मा के नाम के बिना हमारी गाड़ी नहीं चलती है, तो यहाँ तो कहीं ना कहीं वो परमात्मा हमें बचाएंगे ही, 200% मैं ये चीज़ मान के चलती हूँ। क्योंकि अगर हमारी नीयत साफ है ना, और हम पल पल उनका नाम लेते हैं, पल पल उनका शुक्राना करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते ही करते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी जो लोग रह रहे हैं, प्लीज अपना ध्यान रखकर चलिए और परमात्मा का नाम जरूर लेते रहिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो मंगल है वो अग्नि के कारक है और जो तुला राशि है वो वायु की है, तो इसी वजह से एक तरीके से अगर मैं बात करूं तो दिशाहीन तरीके से ये स्थिति बनेगी। आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि कहां से, अरे यहां तो ये चीज होनी नहीं थी। इसीलिए करंट, जहां पर भी अगर मैं आप लोगों को बताऊं, पानी भरा हुआ हो बारिश की वजह से, उस एरिया में जाना बिल्कुल, मतलब अलर्ट है, मत जाइए, सबसे बेस्ट रहेगा। और एकदम से चिंगारी आने के चांसेस हैं, ठीक है, अचानक से आग लगने के चांसेस हैं, करंट की सिचुएशन हो सकती है, मतलब कहीं पर अचानक से कुछ पानी में करंट की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, तो वो सारी चीजें हो सकती हैं। इसके साथ ही ज्वालामुखी फट रहे हैं, ये चीज कंटिन्यू चल रही है, बारिश भी आपको देखने को मिल रही है, पर बारिश की वजह से जो महंगाई हो रही है उस चीज का आप लोगों को खास ध्यान रखना है। खास ध्यान से मतलब ये है कि सेविंग्स करिए, ठीक है, जितनी सेविंग्स करेंगे फिर उतना ईजी रहेगा आप लोगों के लिए सर्वाइव करना। और जॉब चेंजेस के लिए एक बारी नहीं बोलूंगी, 100 बारी सोचिए तब जाके जॉब में परिवर्तन करिए, नहीं तो वहां पर फिर मुंह की खानी पड़ सकती है। बिना गाइडेंस के जॉब चेंज ना करिए, क्योंकि इसके बाद जो ट्रांजिट होना है राहु केतु का, वो केतु देव आ रहे हैं बुध की राशि में, तो आप समझिए कि आधे लोगों की मति काम करनी, मतलब बुद्धि काम करनी बंद हो जाएगी। इसी वजह से मैंने आप लोगों को भी बोला है कि कोल्ड कफ के भी जो है वो स्ट्रांग चांसेस बनेंगे, क्योंकि तुला राशि के अंदर जब चीजें आएंगी तो कफ बढ़ेगा, ठीक है, और कफ बढ़ेगा, और वैसे भी वहां पर मंगल है। बीपी वाले पेशेंट्स जो हैं वो लोग भी अपना खास ध्यान रखिए, और रेड कलर आपको इस पीरियड में बिल्कुल अवॉइड करने के, मैं तो बिल्कुल 100% आप लोगों को सलाह दूंगी, दैट इज अप टू यू। अगर आप लोग छोड़ देते हैं, रेड कलर आपको नहीं बिल्कुल सूट करेगा, नहीं पहनना है,
और केतु का जो कलर रहता है वो माउस कलर रहता है, माउस कलर का भी जितना हम कम से कम उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं वेदर में जो चेंजेस आएंगे, बिल्कुल जब हवा की वजह से, क्योंकि अब हवा पॉल्यूटेड हो जाएगी, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल सकती हैं चीज़ें नेगेटिव। तो प्लीज़ थोड़ा सा अगर मास्क का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो स्टीम ज़रूर लें। अगर आपको थोड़ी सी भी ब्रीदिंग इश्यूज़ हैं, ब्रीदिंग इश्यूज़ वाले लोगों को स्टीम ज़रूर लेनी है, जिससे कि उनकी हेल्थ में खास फर्क ना पड़े ये जो भी ट्रांजिट अभी हो रहा है। आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, इसी वजह से मैंने आपको सबसे अच्छा उपाय बताया कि अपनी फीलिंग्स को ना निकाल दीजिए, एक्सप्रेस करिए और उसको फ्लश आउट करिए, जिससे कि जो भी आपकी मन में जो चीज़ आ रही है ना, एक तो उससे आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक नहीं होगा, और दूसरी बात है हमने उस चीज़ को बोल दिया, ख़त्म किया, मतलब हमने बाहर बोल के, मतलब उससे ना थोड़ा संतुष्टि मिल जाती है इंसान को, है ना, तो वो चीज़ आप कर सकते हो इजीली, और उससे आपका वो चिड़चिड़ापन भी निकल जाएगा। और चिड़चिड़ापन काफ़ी ज़्यादा फील करेंगे लोग, या अकेला रहना पसंद करेंगे इस बीच में, तो उस चीज़ से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो ये तो आपने उपाय करने हैं, मैंने बहुत छोटे छोटे से उपाय बताए हैं, तो वो आप लोग खुद ज़रूर करिएगा। और इस वीडियो को, आपको अगर ये हेल्पफुल लग रही है ना, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको अलर्ट में बताई हैं और साथ में मैंने कुछ आसान से उपाय बताए हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करा करें। और सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो एक लाइक करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, आप लोग लाइक तो कर ही सकते हैं जब आपको इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और बहुत बेसिक रेमेडीज़ मिल रही है। जो लोग भी कमेंट करते हैं रेगुलर हमारी वीडियोस पर, उन लोगों के लिए मैंने आप लोगों को बोला था वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर कि मैं उन लोगों को इस बारी मनी जीबू कॉइन दिवाली पे मेरी तरफ से यहाँ से 5 लकी विनर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे, भेजे जाएंगे। ये एक अच्छा गिफ्ट इस वजह से भी मुझे लगा क्योंकि दिवाली पे हर कोई प्रॉस्पेरिटी इनवाइट करने के लिए रेमेडीज करते हैं, तो बहुत अच्छा टाइम है। एंड मेरी तरफ से एनर्जाइज जीबू कॉइन उन लोगों को भेजे जाएंगे, तो जो लोग रेगुलर कमेंट्स डे 1 से कर रहे हैं उन लोगों को ही देखा जाएगा मेंशन। और ये ऐसे गिफ्ट्स मैं बार बार निकालती रहूंगी अब से टाइम टू टाइम। और जो लोग भी वीडियोस को शेयर करते हैं प्लीज़ कमेंट भी करिए, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और शेयर भी करें, आई थिंक, क्योंकि जो चीज़ हम किसी को देते हैं ना, आप लोगों को फ्री रेमेडीज़ मिल जाती हैं, बट वो फ्री रेमेडीज़ इन रिटर्न आपसे सिर्फ एक लाइक मांगते हैं और कुछ भी नहीं। मतलब इतने सारे आप लोग मुझे जब मैसेजेस भेजते हैं कि आपकी रेमेडीज़ बहुत अच्छे से काम करती हैं, तो आप ग्रैटिट्यूड यहाँ पर भी तो प्रकट करें, ठीक है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसी छोटी छोटी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय गुरु जी।